ये कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़े ट्रिकी हैं, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है पर थोड़े ट्रिकी है। एसएससी सीजीएल ध्यान रखिएगा इसी तरीके के क्वेश्चन पूछती है, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछती है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछती है और वो ट्रिकी रहता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको क्या करना है इनको जो है एक बार खुद से अटेम्प्ट करना है, देन मैं अभी आपको इनके सोल्यूशन देता हूँ और फिर आपको मिलाना है कि कितना आपका प्रिपरेशन है, कितना आपका सही हो रहा है, कितना आपका सही नहीं हो रहा है। ये वीडियोस लेक्चर थोड़े से छोटे रखने की कोशिश कर रहा हूँ, 15 मिनट 17 मिनट तक की, ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम किल ना हो और प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो पाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। सबसे पहला क्वेश्चन है, यह है अकॉर्डिंग टू मी सी इज सिक। आपको अगर मेरी क्लास का लेक्चर याद होगा तो मैंने ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू मी सही है या गलत है। मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू मी नहीं लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू मी की जगह लिखते हैं इन माई ओपिनियन। तो आपका जो सेकेंड पार्ट है इन माई ओपिनियन, ये आपका सही पार्ट है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसलिए ट्रिकी है क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको कि अकॉर्डिंग टू मी नहीं लगता है, इन माई ओपिनियन लगता है। नेक्स्ट है, इट ब्रिंग्स टू टू मेक क्वेरल, इट ब्रिंग्स टू टू मेक क्वेरल, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको जानना पड़ेगा। अब जैसे इट वॉन्ट्स इट नीड्स, कंफ्यूजन कहाँ होता है, इट नीड्स में या फिर इट टेक्स में? तो ध्यान रखिएगा कि जब इस तरीके का क्वेश्चन हो, इट टेक्स लगता है यहाँ पे, इट टेक्स टू टू मेक क्वेरल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। अगर जो आपने वकैब की क्लास की थी, अगर वकैब की क्लास में अगर आपको याद नहीं होगा कि इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड में थोड़ा सा फर्क होता है। इन्वेंट वो होता है जब हम किसी चीज़ को, नई चीज़ को जो है बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं, और अगर कोई पहले से प्रेजेंट हो, अगर उसको हम खोजते हैं तो उसके लिए डिस्कवर वर्ड आता है। तो यहाँ पे इन्वेंटेड की जगह क्या होगा, डिस्कवर्ड होगा। नेक्स्ट है, माई ग्रैंड फादर ओन्स 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड, माई ग्रैंड फादर ओन्स 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड। अब थोड़ा सा अगर इसमें ध्यान नहीं दोगे तो गलती कर सकते हो, यहाँ पे 50 एकर्स होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इजी लग रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है इजी है पर एग्जाम में क्या होता है ना, थोड़े से ट्रिकी होते हैं तो कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुझे कंफ्यूज किए हुए हैं। और ये जो क्लासेज है ना, धीरे धीरे टफ और टफ और टफ, तो जितना भी मटेरियल है जिसमें किसी भी तरीके का कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, वो मैं सारा लेने वाला हूँ, तो क्लासेस पूरा करते रहिएगा। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड टू लिसन द एग्जामिनेशन, नहीं होगा आपको पता है, टू वर्क द एग्जामिनेशन, नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आता है टू टेक द एग्जामिनेशन, टू गिव द एग्जामिनेशन, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि टू टेक द एग्जामिनेशन होता है, तो इसका थर्ड पार्ट सही होगा। कन्फ्यूजन होता है, टू गिव होगा टू टेक होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट टू गिव में जो है टिक मार के आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन हम टेक करते हैं, गिव नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, आई सफर फ्रॉम नो डाउट्स हेलुसिनेशंस इमेजिनेशंस वंडर। इस वाले क्वेश्चन में बहुत डाउट होता है कि क्या हम भरे, आई सफर फ्रॉम नो डाउट्स हेलुसिनेशंस इमेजिनेशंस वंडर अबाउट माई कैपेबिलिटीज, आई सफर फ्रॉम नो वंडर, ऐसा भी फील आ सकता है। नो इमेजिनेशन शायद इसको आसानी से काट ले सकते हो, आई सफर फ्रॉम नो डाउट हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हेलुसिनेशन का मतलब होता है एक तरीके से कि वो चीज़ दिखाई देना जो होना, तो यहाँ पे जो फिट ऑप्शन है वो है हेलुसिनेशन की, आई सफर फ्रॉम, मैं मतलब सफर करता हूँ नो हेलुसिनेशन से, मतलब मुझे अपनी कैपेबिलिटी के बीच में कोई डाउट नहीं है, तो मुझे मतलब ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पे आप समझिए, आई सफर फ्रॉम नो हेलुसिनेशन, नो इसलिए लगाया गया है कि मेरे मन के अंदर कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ पे जो डाउट है ये वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे करेक्ट जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो हेलुसिनेशंस आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, द होस्ट ऑफर्ड मी टी बट आई डिनाइड इट। मैंने आपको कई सारा वर्ड बताया था, डिनाइड, रिजेक्टेड, रिफ्यूज्ड। तो याद रखिएगा कि जब कोई ऑफर आपको मिलता है तो आप क्या करते हो, उसको रिफ्यूज करते हो, डिनाई नहीं करते हो। डिनाई मतलब होता है खंडन, जब आपके ऊपर आरोप लगता है उस केस में आप डिनाई का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट है, सॉर्डिड एंड सेंसेशनल बुक्स, सॉर्डिड मतलब होता है घिनौना, सेंसेशनल आप जानते हैं, सेंसेशनल बुक्स टेंड टू विटिएट द पब्लिक टेस्ट। विटिएट का मतलब होता है एक तरीके से करप्ट करना, भ्रष्ट करना। अब यहाँ पे देखिए, डिस्टॉर्ट भी आपको लगेगा हो जाएगा, डिवाइड भी लगेगा हो जाएगा, और सबसे ज्यादा जिस ऑप्शन पे जाता है वो जाता है डिस्ट्रैक्ट पे, कि पार्ट थर्ड सही होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, विटिएट का मतलब करप्ट होता है, तो घिनौना और सेंसेशनल बुक है जो पब्लिक का जो टेस्ट है ना उसको करप्ट करता है, विटिएट यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे एसएससी में आए हुए ऑलरेडी है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट है, यू मस्ट कंप्लीट योर कैरियर विथ ऑल सीरियसनेस,
फॉलो परसू डायरेक्ट, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। इस आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं वो शायद इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है वो ना जान रहे हो, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट जानते होंगे कि हम परसू करते हैं। परसू का मतलब ये होता है कि टू फॉलो कंप्लीटली, किसी चीज को फॉलो करना। तो जब भी हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह या फिर कोर्सेज वगैरह के लिए हम परसू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है टू फॉलो अप। तो यहां पे जो होगा वो परसू होगा, यू मस्ट परसू योर कैरियर विथ ऑल सीरियसनेस। नेक्स्ट है, वी ऑल प्रोवाइड यू विथ लोन प्रोवाइडेड यू हैव सफिशियंटली कोलेटरल टू पे इट बैक। अब इसमें क्या है ना कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि कहाँ पे हमें एडवर्ब की जरूरत होती है, कहाँ पे एग्जेक्टिव की जरूरत होती है। तो यहाँ पे कोलेटरल क्या है, आपका एक नाउन है, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए एग्जेक्टिव, और यहाँ पे इस्तेमाल क्या किया गया है एडवर्ब, तो एल वाई हटाना पड़ेगा, सफिशियंट कोलेटरल टू पे इट बैक होना चाहिए। तो यहाँ इस वाले पार्ट में, बी पार्ट में इरर है, तो ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ हमें एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करना है, कहाँ हमें एडवर्ब का इस्तेमाल करना होता है। मैंने अपनी ग्रामर की क्लासेज में जो 50 डेज की क्लासेस थी तो उसमें मैंने एडवर्ब और एग्जेक्टिव नहीं पढ़ाया हुआ था, लेकिन उसके पहले मैं ऑलरेडी इस पे जो है लेक्चर प्रिपेयर कर चुका हूँ जो मेरे प्लेलिस्ट में है। नेक्स्ट है, सिप्स आर, ये 2016 का क्वेश्चन है। सिप्स आर सेल्ड बाई जाइंट इंजन्स, ड्राइवन बाई जाइंट इंजन्स, पुल्ड बाई ड्रैक्ट बाई। सेल का मतलब होता है कि आप जानते हो ना जहाज वगैरह जो होते हैं, जैसे एक जहाज हो गया जिसमें सेल किया जाता है। सेल कब किया जाता है, जब होते नहीं ना एक बंदे बैठे रहते हैं और ऐसे निकला रहता है उनके पास एक होता है ना लकड़ी का बना रहता है, तो ऐसे ऐसे पानी में ऐसे ऐसे करके फिर सेल कर रहे होते हैं, तो बोट वगैरह सेल करके लेके जाते हैं। लेकिन जब इंजन की बात आए तो इंजन क्या होता है, हमेशा ड्राइवन होता है। शिप्स आर ड्राइवन बाई जाइंट इंजन, तो ध्यान रखिएगा कि जो इंजन होता है, जो इलेक्ट्रिकल इंजन वगैरह होता है, वो ड्राइव होता है। पुल्ड बाई नहीं होता, पुल मतलब होता खींचना, ड्रैक मतलब भी खींचना होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ सेल और ड्राइवन में ड्राइवन होगा, सेल नहीं होगा। नेक्स्ट है, यू मस्ट इंड्योर वॉट यू कैन नॉट क्योर। ये एक मतलब एक फ्रेज होता है, फ्रेज का डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, सेंटेंस को चेंज कर दिया गया है। सेंटेंस एक फ्रेज आता है, फ्रेज ऐसे होता है, वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, मस्ट बी, ये एक फ्रेज होता है, ये फ्रेज है, इस तरह से आता है, वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। इसका हिंदी में मतलब होता है कि गले पड़ा ढोल बजाना पड़ता है, गले पड़ा ढोल बजाना पड़ता है। तो उसी को इस फॉर्म में लिखा गया है, तो यहां सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, इंड्योर सही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, द अदर्स शुक देयर हेड्स एंड मेड वैग्यू नॉइजेज ऑफ अप्रूवल। वैग्यू का मतलब वो होता है कि जो समझ में ना आए। द अदर शुक देयर हैंड, शेक शुक सेकेंड होता है, ये हिलाने के सेंस में होता है, कोई चीज आप हिला नहीं रहे हो तो, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप सर हिला रहे हो, तो सर जब हिला रहे होते तो जो करेक्ट या अप्रोप्रिएट वर्ड होता है सर हिलाने के लिए वो होता है नोड। नोड का मतलब होता है एक तरीके से सर हिलाना, तो नोडेड यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा सुक की जगह पे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कृष्णाज स्टोरीज अफेक्टेड इफेक्टेड चेंज्ड एफ्लेक्टेड मी वेरी स्ट्रेंजली। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है, एक तो होगा कि अफेक्टेड इफेक्टेड में क्या होगा, चेंज्ड और एफ्लेक्टेड में क्या होगा, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा आपको जरूरत क्या है। यहाँ पे आपको जरूरत है वर्ब की, नाउन की नहीं। तो जो इफेक्ट होता है ये होता है आपका नाउन, और इफेक्ट जो होता है ये वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे लगेगा अफेक्ट। एफ्लेक्टेड मतलब होता है दुख से भरा हुआ, चेंज का मतलब जानते हैं आप लोग कि किसी चीज को चेंज करना, अफेक्ट का मतलब दुख से भरा हुआ। तो कृष्णाज स्टोरी अफेक्टेड मी वेरी स्ट्रेंडली, तो इफेक्ट पहुंचाया मेरे ऊपर, मतलब एक तरीके से कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में उसका असर पड़ गया। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा सेकेंड। और ध्यान रखिएगा जब इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिले कि दो आपस में एक दूसरे के सिमिलर हो, जैसे यहाँ इफेक्टेड और अफेक्टेड है, तो इसी में से कोई ना कोई ऑप्शन होता है, बस उसमें आपको वर्ब और नाउन अप्रोप्रिएट क्या चीज वहां पे फिट होनी है वो चीज देखनी होती है। नेक्स्ट है, द ओरिजिन ऑफ सरस्वती एंड दियर डिसअपियरेंस हैव ऑलवेज बीन ए मैटर ऑफ डिबेट। यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो बी पार्ट है आपका और जो आपका सी पार्ट है, इन दोनों पार्ट में आपको इरर महसूस हो सकता है। जैसे द ओरिजिन आप देखेंगे तो वर्ब कहेंगे कि हैव नहीं आया, हैज आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और अगर
ध्यान देंगे तो द ओरिजिन ऑफ सरस्वती, तो सरस्वती के ओरिजिन की बात हो रही है एंड दियर डिसअपीयरेंस, तो सरस्वती के लिए यहाँ पे दियर इस्तेमाल किया गया है, तो ध्यान रखिए कि सरस्वती आपका सिंगुलर है तो इसके लिए दियर नहीं आएगा। और दिमाग में दूसरा डाउट होता है, अगर आपको इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है तो हर लगाएं या फिर इट्स लगाएं। तो जो ये सरस्वती है वो नदी के लिए इस्तेमाल हुआ है, नदी के लिए सरस्वती नदी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इट्स इस्तेमाल होगा, हर नहीं। अगर ये लड़की का नाम होता तब हम हर इस्तेमाल करते। तो द ओरिजिन ऑफ सरस्वती एंड इट्स डिसअपीयरेंस, तो द ओरिजिन और डिसअपीयरेंस दो आपका सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा हुआ है, इसके लिए यहाँ पे हैव का इस्तेमाल किया गया है, तो बी पार्ट में इरर है, आपको इट्स लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट है, सुधा इज एन एक्सट्रीमली बैड मैनर्ड गर्ल एंड अवॉइड सोशलाइजिंग। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ये जरूरत है कि सुधा इज एन एक्सट्रीमली बैड मैनर्ड गर्ल। देखो, एक होता है बैड, एक होता है इल मैनर्ड, बैड मैनर्ड और इल मैनर्ड। तो बैड क्या होता है, बैड ऐसे समझिए कि बैड होता है आपका एग्जेक्टिव, और इल जो होता है आपका होता है एडवर्ब। आपको यहाँ पे देखना है कि आपको एग्जेक्टिव चाहिए या एडवर्ब चाहिए। गर्ल आपका नाउन है, गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है विथ पार्टिसिपल फॉर्म, मैनर का मैनर्ड, ये एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब एग्जेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे आपको एडवर्ब की जरूरत है, तो यहाँ पे इल मैनर्ड लगेगा ना कि बैड मैनर्ड। बैड आपका एग्जेक्टिव होता है तो इल मैनर्ड गर्ल सही होगा, इल आपका क्या होगा एडवर्ब होगा, मैनर्ड एग्जेक्टिव गर्ल नाउन। तो ये सिक्वेंस होता है एडवर्ब एग्जेक्टिव और देन नाउन। मैंने जो है आपको एडवर्ब एग्जेक्टिव की जो क्लासेस है वो ग्रामर की क्लासेस में नहीं कराया है, लेकिन मैंने इसको पहले करा दिया हुआ था, तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो वहां पे आप जाके इस चीज को सीख सकते हैं। मैं ग्रामर की क्लासेस में अभी जैसे ही 3 तारीख के रिविजन के बाद स्टार्ट होगी क्लासेस, जब पेपर चल रहा होगा तब मैं ये क्लासेस कराऊंगा जो स्टेनो और एमटीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है, सी इज एन एक्सपर्ट पेंटर एंड कैन ड्रॉ एनी फिगर विद जस्ट ए स्ट्रोक ऑफ प्रैक्टिस्ड हैंड। आपको याद होगा मैंने जो आपको वर्ब का एक लेक्चर दिया हुआ था जिसमें वकैब वाले पोर्शन में मैंने बताया था, काफी सारे 130 140 के आसपास वर्ड लिए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या नाउन की तरह काम करता है, क्या वर्ब की तरह काम करता है। तो हमें मैंने प्रैक्टिस के विषय में बताया था कि प्रैक्टिस में जो सी आता है वो नाउन की तरह काम करता है और जो एस आता है वो वर्ब की तरह काम करता है। यहाँ पे आप देखिए कि जब भी आपको एक वर्ब को एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल करना हो, क्योंकि प्रैक्टिस्ड हैंड का मतलब ये है हैंड के लिए आपने एक एग्जेक्टिव लिया है, तो जब भी आपको वर्ब को एग्जेक्टिव चेंज करना हो तब आप क्या करते हो, उसका वीथी फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल करते हो, और अगर नाउन हो तो नाउन में एलवाई लगा के एग्जेक्टिव बनाते हो। तो यहाँ पे आपका वर्ब जो है एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे सी की बजाय एस होगा, ये जो सी होता है वो नाउन होता है, तो प्रैक्टिस्ड नहीं एस होगा, प्रैक्टिस्ड SED, तो ये फिर यहां पे एग्जेक्टिव बन जाएगा। नेक्स्ट है, आई वॉज नॉट ऑल टूगेदर हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मैंने एग्जेक्टिव पे बेस लिया है, यहाँ पे ऑल टूगेदर जो है ये गलत है, जो हैप्पी है वो आपका नाउन है, ऑल टूगेदर इसके लिए यहाँ पे एग्जेक्टिव चाहिए। ऑल टूगेदर का मतलब यहाँ पे जो है ना कि आई वॉज नॉट ऑल टूगेदर हैप्पी, मैं कंप्लीटली हैप्पी नहीं था, तो अगर आप ऐसे लिखते हो ऑल टूगेदर तो ये होता है आपका एग्जेक्टिव, इसका मतलब होता है कंप्लीटली। तो आई वॉज नॉट ऑल टूगेदर, आई वॉज नॉट कंप्लीटली हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस, तो ऑल टूगेदर ये इस तरीके से होगा, एक साथ इस्तेमाल होगा, ALTOGETHER, ऑल टूगेदर हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है, माई एवरी डे ड्रेस इज, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी है, माई एवरी डे ड्रेस इज सिंपल इजी टू मेंटेन एंड दैट गिव्स मी एन एलिगेंट अपेयरेंस। अब यहाँ पे समझिए कि एवरी डे जो है ये अलग अलग नहीं होगा, यहाँ पे अगर एग्जेक्टिव की तरह ड्रेस के लिए, मतलब रोजाना की जो ड्रेस है उसकी बात हो रही, तो रोजाने के लिए यहाँ पे ये एवरी डे एक साथ आएगा, ये फिर यहाँ पे एग्जेक्टिव का काम करेगा, तो माई एवरी डे ड्रेस इज सिंपल इजी टू मेंटेन एंड दैट गिव्स मी एन एलिगेंट अपेयरेंस, ये करेक्ट होगा। ये जो सारे के सारे जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, मैं प्रीवियस ईयर्स में कभी ना कभी पूछे गए क्वेश्चंस है, और एसएससी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछती है, और आप ये रिवीजन क्लासेस बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, तकरीबन 150-200 क्वेश्चन अगले 7-8 डेज में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली तो आप जैसे एग्जाम में जाओगे आपको डिक्टो क्वेश्चन मिल जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाए। सो आपको प्रॉब्लम जो होती है ना कि हाँ मेरा सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट गलत हो रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन गलत हो रहा है, मैं इरर फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ, तो 150-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।